हेलो फ्रेंड, सोसला जी वेतुलु दीक्षित चैनल में मैं द्वारपाल दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आपके साथ मैंने चर्चा की है इस बार के राष्ट्रीय पद्म और पद्मश्री पुरस्कारों की। इन पुरस्कारों ने स्पष्ट कर दिया कि पुरस्कार से इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि इंसान से पुरस्कार की पहचान होती है। आज आपके साथ मैं बात करूँगा अगली कड़ी में महाराष्ट्र की सीड मदर, बीज माता। हमने कभी सोचा नहीं था कि बीज माता भी कोई होगी, सी मदर। महाराष्ट्र में अहमदनगर की राहीबाई सोसा, इन्होंने उन्नत बीजों की कृषि तकनीक को पूरे महाराष्ट्र में पहुँचा दिया। ये बीज इकट्ठे करती हैं, बीजों को बनाती हैं, बीजों को उन्नत करती हैं, जिससे कि हर बीज से पौधा निकले। इनको इनके पास बैंक है। बैंक तो आपने देखा होगा, सरकारी बैंक होती है, प्राइवेट बैंक होती है, जहाँ हम पैसा जमा करते हैं। लेकिन बीज बैंक एक स्पेशल बैंक है। 200 प्रकार की फसलों के बीज बैंक बनाया महाराष्ट्र की, इसलिए राहीबाई तोसा को बीज माता या सीड मदर कहा जाता है। और इस बार उनको एक पुरस्कार मिला है इसी उनके अनूठे योगदान के लिए, जो उन्होंने सीड बैंक बनाया है, बीज बैंक बनाया है, उसके लिए पद्मश्री। अहमदनगर की ये जो सीड मदर हैं, इनका पूरा नाम है राहीबाई सोमा फोपेरे। इनके बारे में ये खाली पद्मश्री नहीं मिला इस बार इनको, ये पहले से ही पारंपरिक खेती कर रही हैं और बीजों का बैंक बनाया है। इसकी मूल वजह क्या है, इनका पोता था, एक बार वो बीमार पड़ा, बाद में पता चला कि वो जो सब्जी खाई थी सब्जी जहरीली थी, तो ऑर्गेनिक खेती की ओर इनका ध्यान बढ़ा और इन्होंने पारंपरिक खेती करी। और उसमें खेत में जो खाद है और बीज है, पहले इन्हें बीजों का संरक्षण करा और बीजों को सहेजना शुरू करा। धीरे धीरे देखा गांव के लोगों को भी जागरूक करके आपने बीज बैंक बनाया। आपको एक चीज़ और बताऊंगा, बीबीसी ने 2018 में 100 महिला उद्यमियों की सूची बनाई थी पूरे वर्ल्ड की, उसमें 76वां नंबर राहीबाई सोमा फोपेरे का था। मतलब ऐसे ही उनको पद्मश्री नहीं मिला है, वो बीबीसी ने भी सिलेक्ट किया था 100 महिलाएं जो थी उस साल की 2018 की, उसमें इनका भी एक नाम था। इन्होंने 15 प्रकार के चावल के बीजों का करा है, 60 से अधिक सब्जियों के बीज इन्होंने तैयार किए। इनका कहना है सफलतापूर्वक सीख के सब कुछ लागू करना ही जीवन है। इनका जीवन की मेन लाइन जो है सफलतापूर्वक सीख के सब कुछ सीखना ही जीवन है। तो राहीबाई सोमा फोपेरे ने सिद्ध कर दिया कि पुरस्कार से इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान से पुरस्कार की पहचान होती है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। आपको ऐसी ही नई नई बातें मैं बताता हूँ।